अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस एंगल से वीडियो क्यों बना रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं यहाँ पर बात करने के लिए आया हूँ दीदियों के बारे में। दीदी, ओ दीदी, जो अपने भारत की जो मशहूर दीदी है, पिछले 15-20 दिनों में जो मशहूर हुई है उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ ममता दीदी के बारे में। अब आपको मैं ये बता दूं कि ममता दीदी वैसे पहले से बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी, वो एकदम काबिले तारीफ है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोर टीम वहाँ पर थी और अकेले उन्होंने खेला होबे कर दिया। अब दूसरी दीदी की बात मैं करता हूँ, दिल्ली वाली वो दीदी आपको याद ही होगी ना, हाँ, यूपीएससी वाली, जो यूपीएससी टॉपर, यूपीएससी का मैंने एग्जाम निकाला है तो मुझे लॉ सिखाओगे, कैसे भरे, कैसे रास्ते में उन्होंने पुलिस वालों की बेइज्जती की, कैसे उन्होंने जो कोविड के नियम है उसके अनदेखी की, और बाद में ऊपर से वो सिर पर चढ़कर बोल रही थी, जो मुझे पहचानते हो ना, हाँ, आप सबों की छुट्टी कर दूंगी मैं। लेकिन नतीजा क्या हुआ, बाद में उस दीदी और उसके पति दोनों ने माफ़ी मांगी। तीसरी दीदी की मैं बात करने वाला हूँ, अपने बिहार में की राजधानी पटना में दीदी निकली थी किसी काम से। अब काम का जो टाइम था वो और हमारा जो कर्फ्यू का टाइम था वो दोनों मैच कर गया। अब इसमें गलती कर्फ्यू की ही थी, वो मैच नहीं करना चाहिए था दीदी के टाइम से। अब दीदी ने जिस तरह से ना वो भसड़ निकाली अपनी टीम के लिए गई थी, बनाइए वीडियो आप। हाँ। मैं वही देखने के लिए गई थी, हर लॉकडाउन में करती हूँ मैं ये काम। अच्छा। इसको लगाइए वीडियो जितना लगाना है आपको। हेलमेट भी नहीं लगाएंगे आप? हाँ, नहीं लगाऊंगी मैं। अच्छा, नहीं लगा, कानून का पालन नहीं करें। मर रहा आपको, लोग आपको हेलमेट का चिंता हो रहा है? क्यों हेलमेट का चिंता नहीं हो रहा? हेलमेट का चिंता हो रहा है, ये चिंता नहीं हो रहा है कि रिक्शा वाला भूखे मर रहा है। मैं तो हर पिछले रूल तोड़ के करेंगी आप कुछ भी? पिछले साल भी मैं लॉकडाउन में बांटी हूँ खाना। हाँ। और इस साल भी बांटूंगी। हाँ। क्योंकि मोदी को समझ नहीं आता है। हाँ। नीतीश कुमार को नहीं आता, मुझे तो आता है। अगर मेरे पास 10 रुपए है तो टीवी पर भाई साहब, वहाँ पर जितने सारे लोग थे, पुलिस वाले की तो एकदम बोलती बंद हो गई। बहुत सारे लोगों ने बहुत बहादुर बहादुर कहा, लेकिन सच्चाई क्या थी वो आप लोग सभी को पता था। उनको वो फ्रस्ट्रेट थी, उनको कहीं जाना था, उन्हें गाड़ी नहीं मिल रही थी, सच्चाई ये थी। इन सारी दीदियों ने पिछले कुछ दिनों में धमाल किया है। अभी रिसेंटली एक और दीदी के बारे में सुनने को आ रहा है, लेकिन मैंने उनकी वीडियो देखी नहीं है तो मैं उसके बारे में आपको अभी नहीं बता पाऊंगा। लेकिन सारी दीदियां जो है वो एकदम कमाल की है और उन्होंने कमाल ही कर दिया है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग न्यूज़ और फैक्ट के लिए और कचर बचर के लिए मेरे इस चैनल पर बने रहें। नमस्कार।